जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने परिवार कबड्डी 107 पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनेरी पलटन टीम के बारे में। प्रो कबड्डी सीजन 8 में पुनेरी पलटन ने किन किन खिलाड़ियों को खरीदा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल का आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली न्यूज़ भी आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहें। तो चलो दोस्तों, आज की न्यूज़ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडर की बात करते हैं कि पुनेरी पलटन ने किन रेडर को खरीदा है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम है रेडर में पवन कुमार का, उसके बाद पंकज, नितिन तोमर, राहुल चौधरी, मोहित गोयत, विश्वास। ये 6 खिलाड़ी हैं दोस्तों जो रेडर के तौर पर खरीदे गए हैं पुनेरी पलटन के द्वारा। अब डिफेंडर की बात करते हैं, उसके बाद है हादी ताजिक, पहले खिलाड़ी हैं जो डिफेंडर हैं। उसके बाद बाला साहिब यादव, सनकीत, सोमवीर, बलदेव सिंह, विशाल भारद्वाज, करमवीर, अभिनेश, उसके बाद है सौरव कुमार। तो ये 9 खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनको डिफेंडर के तौर पे खरीदा गया है। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो ई सुभाष, विक्टर गोविंद गुज्जर जो राजस्थान की टीम से खेले थे सीनियर नेशनल लब की बार, तो ये 3 खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं। तो ये थी पूरी की पूरी टीम दोस्तों पुनेरी पलटन की, जिन खिलाड़ियों को उन्होंने अब की बार खरीदा है, ये अब की बार पुनेरी पलटन की टीम में खेलेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो